वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपको वोकैब की दुनिया में द हिंदू वोकैब ट्रिक के साथ में 4 जून 2021 ट्रिक के साथ में। नोट्स बनाते चलिएगा। आज की वोकैब में फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स का ज्यादा यूज है, एंड तक देखिएगा अच्छी ट्रिक्स के साथ में। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है एब्निगेट। एब्निगेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिनाई और रिजेक्ट, ABNEGATE। अब इसको एब्निगेट को ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, यहां से अब उठाया तो अब, यहां से एन ई उठाया तो न, यहां से गेट उठाया तो गेट। अब न गेट खुलेगा बिकॉज आई अब्निगेटेड ऑल, यानी कि मैं सबको अब्निगेट कर दिया है, अब गेट नहीं खुलेगा, अब न गेट खुलेगा, आई अब्निगेट। क्लियर, याद हो गया होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आज का स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्टिक्स क्या है, ये आज का एडिटोरियल है। ऑप्टिक्स एक नाउन है। वैसे तो ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, द वे इन विच समथिंग पॉलिटिकल एक्शन और सिचुएशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जनरल पब्लिक, यानी कि कोई भी चीज पब्लिक के दिमाग में आना, पब्लिक के संज्ञान में आना, पब्लिक की समझ में आना या उसके सामने आना, इस चीज को हम ऑप्टिक्स बोल सकते हैं इस एडिटोरियल में। तो ऑप्टिक्स का मतलब है संज्ञान में आना कुल मिलाकर। अगला वर्ड है आपका प्रोक्योर। प्रोक्योर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खरीदना, परचेज एंड बाय, यानी कि खरीदना। प्रो वैसे तो हम स्मार्ट के लिए बोलते हैं, क्योर यानी कि अच्छी से। तो सावधानी या प्रोक्योर करते समय, तो सावधानी इसका मीनिंग है, प्रोक्योर करते समय सिक्योर रहो, यानी कि प्रोक्योर करते समय सिक्योर रहो। तो प्रोक्योर साउंड्स लाइक सिक्योर, प्रोक्योर करते समय, खरीदते समय सिक्योर रहो, सेफ रहो। नेक्स्ट ये हमारा फ्रेज है स्ट्राइक अ डील या स्ट्राइक अ बार्गेन, इसका मतलब होता है टू कम टू एन एग्रीमेंट, यानी कि सहमत होना। तो स्ट्राइक अ डील या स्ट्राइक अ बार्गेन का मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना। फ्रेजेस को आई प्रॉमिस के जितने भी SSC के या बैंक के एग्जाम होंगे, बैंक PO के, SBI के, उन सब में ये द हिंदू के वर्ड्स अक्सर करके मिलते हैं, क्योंकि ट्रेंड में जो वर्ड्स रहते हैं वही अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो इनके जो नोट्स बनाइएगा आपको खुद मिलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड जनरली सारी चीजों में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे इसमें से। नेक्स्ट आपका बेयर फ्रूट। बेयर फ्रूट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है यील्ड यानी कि सहमत होना, गेट रिजल्ट्स, सक्सीड सफल होना या सहमत होना, ये एक फ्रेज है, इसको याद रखना बेयर फ्रूट। नेक्स्ट है आपका कम टू नोट। कम टू नोट फ्रेज है, नोट का मतलब होता है आपका शून्य, एकदम शांत। तो कम यानी कि आ जाना, टू नोट यानी कि शांति में, तो यानी कि फेल हो गए आप या इन वेन, काम व्यर्थ चला गया, तभी तो आप शांति में आए। तो कम टू नोट, आई जस्ट केम टू नोट, यानी कि यार आई हैव जस्ट केम टू कम टू नोट, मैं शांति में आ गया हूं, निराश हो गया हूं, व्यर्थ चला गया मेरा काम। कट अक्रॉस, कट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजेस हैं आप पता करिए, खुद तैयार करिए, वैसे फ्रेजल वर्ब पे मैं स्पेशल लेक्चर लूंगा। कट अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ट्रावर्स या फिर ट्रांसेंड, ट्रावर्स एंड ट्रांसेंड। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है आपका कट अक्रॉस, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ट्रावर्स का मतलब होता है तिरछे तिरछे चलना किसी भी पहाड़ वगैरह पे, और ट्रांसेंड का मतलब होता है आगे जाना। ठीक है, इनको नोट्स बनाते चलिएगा। गो बियॉन्ड यानी कि बहुत तेजी से आगे बढ़ना, कट अक्रॉस। क्लैमर, क्लैमर जो एक वर्ड है, क्लैमर ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट, आउटक्राई। आउटक्राई की वजह से हम इसमें हंगामा भी कर सकते हैं, आउटक्राई का मतलब हंगामा होता है, कमोशन का भी मतलब हंगामा होता है, विरोध करना। डोंट क्लेम फॉर मोर, वैसे तो इसका साउंड आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्लेमर, ठीक है, लेकिन यहां पर आ रहा है मोर, तो हम इसको क्लेमोर बोल सकते हैं समझने के लिए। तो डोंट क्लेम फॉर मोर, ज्यादा के लिए क्लेम मत करो, नहीं तो होगा क्लेमोर, यानी कि बहुत ज्यादा विरोध होगा, हंगामा होगा, इसको ज्यादा कैसे मिल गया, इसको ज्यादा कैसे मिल गया। तो 2-3 बार अपने फ्रेंड्स फैमिली से बोलो सामने, डोंट क्लेम फॉर मोर, आई एम नॉट क्लेमिंग फॉर मोर, इट्स नॉट मैटर ऑफ क्लेमोर, यानी कि मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, तो हंगामे की कोई बात ही नहीं है। आई एम नॉट बेगिंग फॉर मोर, आई एम नॉट क्लेमिंग फॉर मोर, कोई क्लेमर की बात ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, डेस्परेट या फ्रेंजी या पैनिकी, उत्तेजित। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक एक बहुत ही, इसका मैं यूज करूं तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। फ्रेंजी और फ्रेंटिक यानी कि पागल, उन्माद, व्यग्र, घबराया हुआ, किसी भी
तरीके से कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है कि मुझे जल्दी जल्दी ये काम निपटाना है, तो दिस इज डेस्परेट कंडीशन एंड फ्रेंजी एंड पैनिकी, दिस इज फ्रेंटिक। व्हाई यू बिकमिंग सो फ्रेंटिक। एम्बिट, एम्बिट स्कोप कंट्रोल और रेंज, इसको याद करना, ये वर्ड आपको नाउन है, बहुत ही ज्यादा नया लग रहा होगा लेकिन नया नहीं है। एम्बिट से बना है एम्बिशियस, एम्बिशियस एडजेक्टिव हो जाता है महत्वाकांक्षी, ठीक है, तो एम्बिशियस जनरली हमारा महत्वाकांक्षी वर्ड हो गया, एम्बिट एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो एम्बिशियस को तो आप जानते हो और ये हमारा नाउन की तरह काम करता है, एम्बिशियसली एडवर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सॉर्ट आफ्टर। सॉर्ट का मतलब होता है, ये सी की थर्ड फॉर्म है, यानी कि देखना या खोजना। पॉपुलर इन डिमांड या डिजायर, अत्यधिक किसी की मांग होना, किसी को ज्यादा सॉर्ट करना, तो दिस इज सॉर्ट आफ्टर। ये याद रहेगा आपको, जैसे हमने रोट कराया था वैसे वर्क की थर्ड फॉर्म वर्क होती है लेकिन ओल्ड इंग्लिश में रोट होती है, उसी तरीके से सीन होती है लेकिन ओल्ड इंग्लिश में सॉर्ट होती है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन या रेस्ट्रेन, अवरोध या नियंत्रण होता है कंस्ट्रेंट। कौन सी ट्रेन है जिस पर कंस्ट्रेंट नहीं है, अवरोध नियंत्रण नहीं है। हीड एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, वर्ब है, टेक इन नोटिस, ध्यान देना। अब इसको याद रख लेना, ये तुम्हारे काम का है सेंटेंस, हीड इज द नीड ऑफ एवरीवन, एवरीवन वांट्स अटेंशन ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों को नोटिस, दूसरों से चाहे कि वो उसको नोटिस करें, ध्यान दें, अटेंशन चाहे, तो हीड इज द नीड ऑफ एवरीवन। याद हो गया दो मिनट में, हीड इज द नीड ऑफ एवरीवन। Why are you seeking attention for you, for yourself? You know that heed is the need of everyone. Simple. तो आप अपने इसको sentences में use करके अपनी English को stylish बना सकते हो। Word तो आपको तैयार हो गया, आवश्यकता ध्यान देना। The next is core. Core topic हम generally बोलते हैं, it's a basic, fundamental. तो इसको हम बोलते हैं आपका core, यानी कि मुख्य भाग या बुनियादी। और लास्ट वर्ड है आपका डेस्परेट, एडजेक्टिव है, इन ग्रेट नीड ऑफ, यानी कि हताश या आवश्यकतापूर्ण, दोनों ही में सेंस आएगा इसका। अ डेस्परेट पर्सन विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, एक डेस्परेट पर्सन सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो हर भरसक प्रयास करेगा जो उससे बनेगा, तो दिस इज डेस्परेटली या डेस्परेट, ठीक है। तो मैं आर्डेंट आपका पेरेंटिस था, इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स करा चुका हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब को डेली हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा प्यार देने के लिए। लैसिट्यूड यानी कि लस्सी, लैसिट्यूड को दूर भगाती है या अच्छी लगती है वगैरह वगैरह। तो थैंक यू वेरी मच, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दिखाइए। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हाँ, अगर आपने प्यार दिखाते रहे तो आपको द हिंदू एडिटोरियल भी इसी तरीके से डिस्कस कराऊंगा, एक एक पार्ट ऑफ इस पेज को, यानी कि सबसे डिफरेंट। ओके, बाय।